नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप बीमारी से छुटकारा कैसे मिल रहा है आपको और कौन कौन सी बीमारियों से मिल सकता है। पहले तो बात करते हैं कि बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल रहा है। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो तुम करते हो, जैसे हम अपने देसी भाषा में जो तपस्या करते हैं उसमें जो करते हैं उसी को कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दिया है। तो समझ लो उस वक्त क्या है कि तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगा, तुम्हारे पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। दूसरा, तुम्हारे शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही, ठीक है। जितनी ऊर्जा उसके पास चर्बी और के रूप में है, चर्बी की मांसपेशियों के रूप में है, वही है समझ लो। तो जब तुम्हारा शरीर आराम करता है ना, तो वो क्या करता है, जब उसे कुछ और काम नहीं करना, वो खाली बैठा है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर में से गंदगी निकालने लग जाता है, मतलब खुद के अंदर से गंदगी निकालने लग जाता है। जैसे कोशिकाएं हैं तुम्हारी, सेल्स हैं, उनके अंदर से वो गंदगी निकालेगा, तो तुम्हारे सेल्स अपनी गंदगी बाहर निकालेंगे, वो गंदगी तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगी और तुम्हारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो तुम्हारे शरीर का शुद्धिकरण होगा, ठीक है। ये एक चीज़ होती है, शुद्धिकरण होता है तो क्या होता है कि तुम्हारे, अब एक यूँ समझो कि कोई चीज़ है जिसके अंदर गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, तो अगर तुम्हारे पास में घर के अंदर ही गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, तुम्हारे घर में बीमारियां फैलने लग जाएगी उस गंदगी से। गंदगी से बीमारियां होती है, बहुत जानी मानी चीज़ है। वही शरीर के अंदर भी गंदगी इकट्ठी होती जाएगी, तुम्हें बीमारियां होने लग जाएगी। जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे शरीर से गंदगी निकल रही है, तो तुम्हारे को बीमारियां होने से बचने को मिल रहा है, तुम बीमारियों से बच रहे हो। और तुम्हारे ऑर्गन जो है, जो तुम्हारे शरीर में ऑर्गन है, उनको आराम मिलता है, वो खुद की सफाई करते हैं, वो साफ होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तुम्हारे ऑर्गन्स की सेहत अच्छी रहती है, तो उससे तुम्हारे ऑर्गन बीमारियों से बचे हुए रहते हैं, तुम्हारे ऑर्गन बीमारियों से बचे रहते हैं, तो तुम बीमारियों से बचे हुए रहते हो। दूसरा, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही है, ठीक है, बाहर से। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे शरीर में जो खराब सेल है, खराब कोशिकाएं हैं, जैसे कि कैंसर के हो गए या कोई दूसरे ट्यूमर के हो गए, तो वो क्या है, कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही खाने के लिए, ठीक है, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो, और साथ ही साथ उन्हें खत्म करने वाले जो सेल है, जो कि बाहर से आए खराब सेल को खत्म करने वाले सेल है, वो जिन्हें ट्यूमर किलिंग सेल बोल देते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं हमारे शरीर में। एक तो जो हमारा दुश्मन सेल है, दुश्मन कोशिका, वो कमजोर पड़ रही है, और एक हमारी जो दुश्मन कोशिका को मारने वाली है वो बढ़ रही है, तो हमारे दुश्मन को खत्म कर देंगे। और वो जो कई बार ऐसा भी है कि जो, जैसे उन्हें ऊर्जा का संचार नहीं मिल रहा खराब सेल को, तो वो कमजोर पड़ते पड़ते अपने आप ही मर जाए, तो हमें वैसी जो बीमारी दे रहे थे वो सेल वो ना दे, तो ऐसा कैंसर जैसी बीमारी में हो जाता है, जो भाई कैंसर के जो सेल है कमजोर पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मर सकते हैं, और उन्हें मारने वाले जो सेल है वो बढ़ने लग जाते हैं, तो धीरे 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 कैंसर दबने लग सकता है। मतलब कैंसर की अगर किसी को बीमारी है तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें से कुछ की मैं यहाँ बात करूँगा जो कि आमतौर पर काफ़ी सुनने में आती है। कैंसर के लिए मैंने आपको बताया कि कैसा होता है। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीपी, ब्लड प्रेशर है किसी को, कोलेस्ट्रॉल है, खून में लिपिड्स ज़्यादा हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मतलब खून में फैट बढ़ने लग जाते हैं, वो हार्ट अटैक, जैसे आप हार्ट अटैक आता है, आपके खून आपके दिल तक पहुंच नहीं पा रहा, बीच में कहीं ब्लॉक हो गया, तो खून नहीं पहुंच पा रहा, खून ऑक्सीजन लेकर के जाता है, तो खून ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो आपके सेल मर जाएंगे, तो हार्ट अटैक है वो। तो आपको, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो आप जिस रास्ते पर चल के हार्ट अटैक तक पहुँचोगे ना, आप उस रास्ते पर चलना बंद हो जाओगे, और हो सकता है धीरे धीरे पीछे आने लग जाओ, मतलब हार्ट अटैक की तरफ जाने की जगह हार्ट अटैक से उल्टी तरफ जाने लग जाओ, ऐसे समझ सकते हो। डायबिटीज़ में बहुत फायदेमंद है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तुम नहीं खाते हो तो। डायबिटीज़ क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। एक ये सब क्या होता है, इनमें से कुछ शब्द तुम्हें नहीं समझ आ रहे हो, ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सब नहीं समझ आ रहे हो, कोई बात नहीं, पर क्या है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, जिससे डायबिटीज़ में बहुत फायदा हो सकता है, होता है। तो तुम अगर हफ्ते में एक दिन उपवास कर रहे हो या रोज 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो और 8 घंटों में अपना खाना खा रहे हो, तुम्हारे को डायबिटीज़ में बहुत फायदा होता है। मोटापा कम करती है, पहले मैं बात कर चुका हूँ, और मोटापे से जुड़ी हुई जो बीमारी है, मोटापे के साथ वो भी कम होएंगी।
स्ट्रोक आता है ब्रेन में, दिमाग में, जैसे दिल में हार्ट अटैक आता है वैसे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे तो तुम्हारा, अगर धीरे 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 तुम उस रास्ते पे जा रहे हो जिससे तुम्हें आगे जाकर के स्ट्रोक आ सकता है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से तुम उस रास्ते पे जाना रोक करके, और हो सकता है धीरे धीरे पीछे आने लग जाओ, मतलब तुम्हारे दिमाग की सेहत भी अच्छी होने लग जाए, जैसे तुम्हारे दिल की होगी। एक बीमारी होती है जिसमें आदमी बूढ़ा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो भूलने लगता है। और आपने देखा होगा कई बूढ़े लोगों को याद ही नहीं आता कि सामने कौन बैठा है, जबकि उनका भले वो होता ही हो, वो पहचान नहीं पाते। इसे अंग्रेजी में अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हम भूलने लग जाते हैं चीज़ें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको ये बीमारी, वही इसकी तरफ जाने की जगह आप रुक जाओगे और वापस हो सकता है इससे दूर जाने ले जाओ, इस बीमारी की तरफ से, मतलब ये बीमारी तुम्हें ना हो अगर तुम ये करो तो। डिप्रेशन कम करने में फायदेमंद है। इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में जिसमें हमारा शरीर खुद को ही नुकसान दे देता है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक है। हमारे जीन्स को में वो बदलाव लाने में सहायक है जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे जीन्स हैं उनमें। और कीमोथेरेपी होती है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी करी जाती है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो ये मैंने तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से होती है। अब ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर विज्ञान क्या अभी भी इन पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन शास्त्रों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पहले से पता है, क्योंकि वो शास्त्र है, ठीक है, वो विज्ञान से नहीं आया, वो मतलब या तो देवी देवता है भगवान से होंगे। तो शास्त्रों में इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। हम जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में करते हैं वो सब हम अपने जो देसी भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में करते हैं, वो तपस्या है। तो उपवास जो है वो जिसमें हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते, जैसे आज रात को समझ लो 12 बजे के बाद में कुछ नहीं खाया, आज रात को 12 बजे से पहले खाया, फिर कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कल रात की 12 बज गई, उसके अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद में खाया, तो ऐसा हम उपवास कर लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि उपवास शरीर के लिए सबसे अच्छी औषधि है, जबकि अभी साइंस तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे समझने की कोशिश कर रहा है, पर तपस्या के बारे में हमारे शास्त्र पहले ही बता चुके हैं। अब कोई कहेगा कि उपवास एक दिन का अच्छा है, तो क्या मैं दो दिन तीन दिन लगातार भूखा रहूं तो क्या अच्छा नहीं है? देखो, अगर तुम दो तीन दिन लगातार भी भूखे रह रहे हो तो उसका भी फायदा ही, और तुम बहुत ज़्यादा लंबा रह रहे हो, 15 दिन 20 दिन 30 दिन लगातार या उससे ज़्यादा लगातार भूखे रह रहे हो, तो उस तरीके की तपस्याएं क्या है, आत्मा के लिए करी जाती है, वो तपस्याएं शरीर के लिए नहीं करी जाती है। मतलब तो उनमें वो तपस्याएं करी इस हिसाब से जाती है कि शरीर को दुख देकर के हम आत्मा को उद्धार करें। तो ये फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ चैनल है, तो मैं यहाँ पे उसी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। तो एक दिन दो दिन भूखे रहने तक कोई खास दिक्कत नहीं है, तो उपवास करो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि उपवास यार रोज रोज आदत नहीं है। देखो, पहले तो तुम्हें प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और उपवास में क्या, एक ही दिन भूखा रहना होता है, लगातार दो तीन दिन भूखा रहना ज़्यादा मुश्किल है। एक दिन भूखा रहना होता है ना, तो क्या वो दिन सुबह 12-1 बजे तक तो वैसे ही उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, फिर थोड़ी भूख लगती है तो शाम होने तक अगला दिन आता हुआ दिखाई देता है। दोपहर होती है, शाम होती है, तब तक ऐसा लगता है कि यार बस अब कल का दिन आ जाएगा, कुछ घंटे और निकाल लें, कुछ घंटे और निकाल लें, रात तो सो के निकाल लेंगे, ऐसे करके तुम्हारी आदत बन जाएगी। शुरू में कुछ कुछ बार लगेगा, उसके बाद आदत बन जाएगी, तुम्हें पूरे दिन ऐसा लगेगा ही नहीं कल का दिन कब आएगा, फिर वो अपने आप से एक दिन निकलेगा और अगला दिन आ जाएगा, ऐसे करके निकाल सकते। फिर भी तुम्हें मुश्किल लगता है, तो उससे आसान तरीका है कि दिन में 16 घंटे से 18 घंटे तक कुछ मत खाओ, और बचे हुए 24 घंटे में जो 6 से 8 घंटे उसके अंदर अपना खाना खाओ। शुरुआत में 16 घंटे 18 घंटे भूखा रहना मुश्किल है, तो चालू करो 12 घंटे से 12 घंटे के अंदर खाना खाओ, 12 घंटे भूखा रहो, फिर धीरे धीरे 12 घंटे 13 घंटे 14 15 16 17 18 तक खींच सकते हो, कम से कम 16 तक तो खींचो। तो मैं इसमें बताना चाह रहा था कि बीमारी से छुटकारा पाता है और नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।